इसरो ने भरी और ऊंची उड़ान, एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च, एमीसेट के साथ ही 28 विदेशी नैनो उपग्रह भी किए प्रक्षेपित। दुश्मन के रडार का पता लगाएगा एमीसेट। अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमित शाह ने कहा, हार के डर से अमेठी छोड़कर भागे राहुल गांधी। राहुल गांधी की न्याय योजना पर अर्थशास्त्रियों ने उठाए सवाल। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, योजना लागू होने पर देश में भारी वित्तीय संकट हो सकता है। पूर्व दस्यू मलखान सिंह को शिवपाल यादव ने दिया टिकट, उत्तर प्रदेश के धौरहरा सीट से लड़ेंगे चुनाव। महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों के साथ फिर से मिलाया सुर, कहा 370 और 35 ए भंग करने पर खत्म हो जाएगा भारत और जम्मू कश्मीर का रिश्ता। भगोड़े कारोबारी माल्या ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर उतारी खींच, कहा 14,000 करोड़ ले लिए, फिर क्यों पीछे पड़ी भाजपा। केंद्र सरकार ने पैन से आधार जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई, 30 सितंबर तक जोड़ सकेंगे पैन से आधार। कर्ज से आम लोगों को राहत दे सकता है रिजर्व बैंक, 0.25% घटा सकता है रेपो रेट। तलाक लेने जा रहे प्रियंका निक जोनस, ओके मैगजीन का दावा, हर मुद्दे पर झगड़ते हैं दोनों। ताइपे में हो रही 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, 14 में से जीते 12 गोल्ड। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। जय हिंद।